नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। 70 के दशक में अभिनेत्री हेमा मालिनी अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड पर राज करती थी। उस दौर में एक्ट्रेस न्यूज़पेपर और मैगजीन कवर पर छाई रहती थी। लेकिन हेमा की चर्चा सिर्फ काम को लेकर ही नहीं, उनके अफेयर्स के कारण भी खूब होती थी। हेमा मालिनी से प्यार करते थे ये तीन सुपरस्टार। जाने फिर क्योंकि चार बच्चों के पिता धर्मेंद्र से शादी। हेमा मालिनी हिंदी सिनेमा की बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री है। हेमा 70 के दशक की टॉप एक्ट्रेस थी। उन्होंने गुजरे दौर में एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं। इनमें शोले, सीता गीता और ड्रीम गर्ल जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल है। फिल्मों के अलावा हेमा ने बतौर निदेशक में फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। इसके अलावा वे राजनीति की दुनिया में भी एक्टिव है। हेमा बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से है जो ज्यादा फिल्में ना करने पर भी हमेशा चर्चा में बनी रहती है। लेकिन कभी ऐसा वक्त भी था जब एक्ट्रेस की चर्चा उनके काम की वजह से नहीं बल्कि उनके अफेयर्स की वजह से होती थी। अखबार से लेकर मैगजीन तक हर जगह हेमा का नाम किसी न किसी के साथ जोड़ा जाता था। अभिनेता संजीव कुमार हेमा को बहुत पसंद करते थे। एक्ट्रेस को अपने दिल की बात बताने के लिए उन्होंने अभिनेता जितेंद्र का सहारा लिया। जितेंद्र ने संजीव का ये पैगाम हेमा तक पहुँचाया भी, लेकिन अभिनेत्री ने संजीव के इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि उनके मन में संजीव के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। संजीव कुमार को न कहने के बाद भले ही संजीव और हेमा की कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन इस घटना ने एक अगली कहानी को जन्म दिया और वह थी जितेंद्र और हेमा का करीब आना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेमा ने संजीव का प्रपोजल तो नहीं माना, लेकिन उन्हें जितेंद्र से प्यार हो गया था। वारिस और गाड़ी चाल जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके जितेंद्र और हेमा की हिट जोड़ी साल 1974 में एक बार फिर फिल्म दुल्हन के लिए साथ आई। कहा जाता है कि उस दौरान ही दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार किया था। हेमा और जितेंद्र के परिवार वालों में भी उनकी शादी के लिए तैयार थे क्योंकि उस वक्त हेमा और धर्मेंद्र के अफेयर की चर्चाएं जोरों पर थी और अभिनेत्री का परिवार बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि हेमा पहले से शादीशुदा और चार बच्चों के पिता धर्मेंद्र से शादी करे। जितेंद्र और हेमा की शादी भी होने वाली थी, लेकिन आखिरी पलों में हेमा ने शादी से मना कर दिया क्योंकि उनके मन में तो धर्मेंद्र ही थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ टुडे 24।